हेलो दोस्तों, धमाका ट्रिक ट्रेन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं तीन महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चार लगातार सम संख्याओं का योग पहली संख्या से 198 अधिक है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो दोस्तों करते हैं, हमारी चार सम संख्या होंगी एक्स, एक्स प्लस दो, एक्स प्लस चार और एक्स प्लस छ। अब इनका योग करते हैं तो ये आपका एक्स प्लस दो प्लस एक्स प्लस चार प्लस एक्स प्लस छ बराबर पहली संख्या से 198 अधिक। हमारी पहली संख्या x थी तो पहली संख्या से 198 अधिक है। कोई डाउट? क्लियर? तो अब चलिए करते हैं आगे। तो अब इन ब्रैकेट के लिए हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस दो प्लस x प्लस चार प्लस x प्लस छ बराबर ये हो जाएगा आपका x प्लस 198। एक्स एक्स को हम जोड़ लेंगे तो एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स और चार एक्स, ये होगा आपकी चार एक्स। क्लियर? छ और चार दस और दो बारह, ये होगा आपका प्लस का बारह बराबर एक्स प्लस 198। तो दोस्तों एक्स को इधर लाएंगे, बारह को उधर ले जाएंगे तो ये जब एक्स को इधर लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, जब एक माइनस की हो जाएगी तो ये बचेगी आपकी तीन एक्स, तीन एक्स बराबर 198 माइनस 12। अब इसको घटा लेंगे तो ये बचेगा आपका एक्स बराबर आठ में से दो गया छः और नौ में से गया आठ और आपका एक। तो दोस्तों ये हो गया आपका 186 बटे तीन। अब तीन से जो काट देंगे, तीन एकम तीन, तीन छः 18 और तीन दूनी छ, तो x बराबर आ गया आपका 62। तो दोस्तों हमारी सबसे बड़ी संख्या थी आपकी x प्लस छ, तो हम लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या x प्लस छ। अब x का मान आपका 62 आ गया तो 62 में ऐड कर देंगे तो ये होगा 62 प्लस, तो ये 6 था छ, तो 62 छ हो गया आपका 68। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग उसके गुणनफल से 574 कम है, तो उन संख्याओं का योग क्या है? तो हमारी संख्या होगी x और दूसरी संख्या होगी आपकी x प्लस दो। तो प्रश्न आंसर क्या है आपका, दोनों संख्याओं का योग यानी एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस दो बराबर दोनों का गुणनफल यानी एक्स गुणा एक्स प्लस दो से 574 कम है, 574 कम है। तो दोस्तों इन क्वेश्चन के लिए हम खोल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस दो बराबर x की इस ब्रैकेट में गुणा कर देंगे, x की x में करेंगे तो आपका x स्क्वायर और प्लस x की दो में करेंगे तो आपका 2x माइनस 574। तो ये हो गया x और x हो गया आपका 2x प्लस दो बराबर x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 574। तो दोस्तों देखिए 2x से आप 2x काट सकते हैं और x को आप इधर लाएंगे तो ये माइनस की x स्क्वायर हो जाएगी, माइनस की x स्क्वायर बराबर अब माइनस का 574 और इसको पल्ली तरफ को ले जाएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा 2। क्लियर? तो देखिए यहाँ ये हो गया आपका माइनस का x स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका माइनस का 576। तो दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 576। हमें पता है कि
576 24 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो इम्प्लाई दैट ये आ गया आपका एक्स बराबर 24। तो दोस्तों उन संख्याओं का योग, तो एक्स का मान निकल गया आपका 24, एक संख्या आपकी आ गई, दूसरी आपकी एक्स प्लस दो, एक्स का मान यहां रख देंगे 24, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस दो यानी 24 प्लस दो बराबर 26। अब 26 एक संख्या होगी आपकी 24 और दूसरी होगी आपकी 26, अब इन दोनों का हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 26 10 और ये हो गया आपका 50, ये आपका आंसर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन भी ठीक तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कोई भी स्टेप गायब नहीं किया है, टोटल स्टेप लिखे हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 8 गुना में जब 120 जोड़ा जाता है तो उस संख्या के 10 गुना से 4 कम प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आइए करते हैं, यदि किसी संख्या के 8 गुने में लिखेंगे, माना कि वह संख्या बराबर x है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये, यदि किसी संख्या के 8 गुने में, तो 8 गुना हो गया आपका 8x हो गया, 8 गुने में जब 120 जोड़ा जाता है तो 120 इसमें जोड़ा जाता है, तब उस संख्या के 10 गुना, उस संख्या का 10 गुना हो गया 10x से 4 कम प्राप्त होता है, 4 कम प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आइए करते हैं इसको, तो ये हो गया आपका 8x, 10x को इधर ले आएंगे, माइनस की हो जाएगी बराबर, ये आपका माइनस का 4 है और 120 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस की हो जाएगी आपकी 120, तो 8 में से 10 गया तो बचा आपका माइनस का 2x बराबर, 120 में 4 जोड़ेंगे तो माइनस का हो जाएगा 124, माइनस से माइनस कैंसिल और ये हो गया आपका x बराबर 124 बटे 2, तो x बराबर होगी आपकी, काट देंगे इसको, 2 6 12 और 2 2 4, तो दोस्तों ये आपका आंसर है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक के साथ।